हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस के बाद इसको करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से टेंसेस से और फिर उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस से, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये चार चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते, अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो आप नरेशन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको टेंस करवाए। टेंसेज के बाद अब हम आज पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एसएससी के एग्जाम है, हाई कोर्ट का जो एग्जाम है, जो हाई कोर्ट का जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसके अंदर टेंसेज से बहुत क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव से और नरेशन से और कंडीशनल सेंटेंसेज से। तो इसलिए मैंने स्टार्ट ही इन चारों चैप्टर से किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस की बात की जाए तो कंडीशनल सेंटेंस आर स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं दैट जो शो करती हैं नॉन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज इफ अ सर्टेन कंडीशंस इज फुलफिल्ड। देखिए, अगर कुछ कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल होती है आपकी, सपोज अगर आप ऐसा बोलते हो कि अगर हम घर पर रहते हैं तो हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर हम कब रोक पाएंगे, जब हम घर पे रुकेंगे, तो एक इसके अंदर एक कंडीशन छुपी हुई है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कंडीशन हो और उस कंडीशन से रिलेटेड कोई रिजल्ट आता हो, तो वो सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस, कोई भी चैप्टर हो सकता है, ठीक है। और दिस चैप्टर कंटेन्स थ्री कंडीशन, ये कंडीशन इसके अंदर तीन कंडीशन है हमारी, तीन ही कंडीशन के ऊपर बेस करता है। उन तीनों कंडीशन को थरली पढ़ेंगे और उनकी जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मॉडिफिकेशन के साथ, जो चेंजेस के साथ, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंडीशनल जो वर्ड होते हैं, किस कोई सेंटेंस कंडीशन है उसका पता कैसे चलता है। सबसे पहली चीज़ तो आप सब मैच्योर हैं या फिर जो बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हैं, वो भी जब सेंटेंस को पढ़ोगे आप, तो आप अपने आप उसको पढ़कर समझ पाओगे कि ये कंडीशन है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीदता, इसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर पैसे होते। तो गाइस, ये सेंटेंस आप खुद समझने पड़ेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं स्पीड से चलाता, तो ये क्या सेंटेंस है? कंडीशन सेंटेंस है, क्योंकि मैं ये वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो तभी पॉसिबल है जब कोई कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये बेसिक ध्यान रखना आपको। और सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई सेंटेंस देखें, अगर वो कंडीशन है तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि कंडीशन क्या है उस सेंटेंस के अंदर, उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज और रेपरकशन क्या है, कि उस कंडीशन के फुलफिल होने से रिजल्ट क्या बन रहा है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके बेस पर ही आप सेंटेंस कर पाओगे और समझ पाओगे। बहुत ही सिंपल सेंटेंस। कौन कौन से कंडीशनल वर्ड होते हैं हमारे? इफ़ होता है, सपोज होता है, अनलेस होता है, अनटिल इतना नहीं होता, अनलेस ही होता है, प्रोवाइडेड, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं हमारे? कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल वर्ड। इनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड जितने भी आएंगे, इनके आने से सेंटेंस क्या बन जाता है? कंडीशनल। अब बात करते हैं सबसे पहली कंडीशन की। एज आई टोल्ड यू कि तीन कंडीशन है इसके अंदर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हर कंडीशन का एक चेंज है, या मॉडिफिकेशन कह लो या कोई डिफरेंस कह लो, हर कंडीशन का। तो टोटल इस चैप्टर के अंदर सिक्स कंडीशन सेंटेंसेस बनेंगे इससे हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ये 6 कर लिए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडीशन नंबर 1। तो जो कंडीशन नंबर 1 है, ये हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड। देखिए, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अगर बारिश हुई तो मैं सेंटर नहीं जाऊँगा, ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर बारिश हुई मतलब फ्यूचर की बात है, अगर बारिश हुई तो मैं सेंटर नहीं जाऊंगा। मैं सेंटर कब नहीं जाऊंगा? जब बारिश नहीं होगी। तो मतलब क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड बातें हैं। अगर बारिश हुई तो मैं सेंटर नहीं जाऊंगा, इसमें ये है कि अगर बारिश होगी, बारिश कब हो सकती है? फ्यूचर में ही तो हो सकती है। तो जो बातें फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो फ्यूचर में होने वाली है, दे माइट हैपन इन फ्यूचर, उनमें हम लगाते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड कंडीशन। तो सबसे पहले देख लो फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेशन आपको पता है, इफ़। देखिए, इफ़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ ही तो डिफाइन कर रहा है कि सेंटेंस कंडीशन है। इफ़ हो सकता है, सपोज हो सकता है, व्हेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो अनलेस हो सकता है, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि होना ज़रूरी है, तभी तो कंडीशन बनेगी। ये तो आपको पता है, इफ़ तो होगा ही होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो भी हमारी कंडीशन होगी, आई टोल्ड यू कंडीशन, सी लिखा है मैंने, ये देखो ऊपर लिख लेना आप जब नोट्स बना रहे हो तो, और ये हमारा रिजल्ट है। तो जो हमारी कंडीशन होगी, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में होगी अगर फ्यूचर ओरिएंटेड बात है तो, और जो हमारा रिजल्ट होगा, मैंने आर लिखा है यहाँ पे, वो हमेशा सिंपल फ्यूचर के अंदर होगा। अब देखिए, ये चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि सिंपल फ्यूचर क्या है, सिंपल प्रेजेंट क्या है, तो आप पिछली वीडियो देखें मेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, पूरा प्रेजेंट
पास्ट फ्यूचर तीनों पढ़ा दिए मैंने। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आपको पहले टेंस देखना चाहिए, लेकिन अगर आपको क्लियर है तो वी कैन कंटिन्यू। अब देख सेंटेंस बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया देखो, इफ़ वी मीट डोनाल्ड ट्रम्प आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम। अगर मैं उनसे मिला तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। फ्यूचर की ओरिएंटेड बात है, मैं यहाँ इंडिया के अंदर बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कभी डोनाल्ड ट्रंप से मिला तो मैं ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगा, फ्यूचर ओरिएंटेड बात है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड में अंदर देखिए यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, हमने पहली कंडीशन फिलफिल कर दी। फिर मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट है वी वन है और ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आई सब्जेक्ट है, मीट वी वन है और डोनाल्ड ट्रंप हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये फुलफिल होगी। अब हमें ये पता है जब ये कंडीशन आती है इफ़ के साथ, इफ़ के साथ जब भी सिंपल प्रेजेंट आएगा रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में बनेगा। तो आई क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल आएगा क्योंकि फ्यूचर सेंटेंस है और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया मेरा आर, आर बोले तो रिजल्ट। तो जब भी आपको कंडीशन सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आए एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले तो देख लो कंडीशन कौन सी। अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है तो फ्यूचर ओरिएंटेड के अंदर कंडीशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में और रिजल्ट हमेशा सिंपल फ्यूचर में, सिंपल। और बना लेते हैं सेंटेंस, इफ़ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करती है, सॉरी अगर वो मेहनत करेगी तो वो 100% एग्जाम क्लियर करेगी। फ्यूचर की बात करूँ, अगर वो मेहनत करेगी, मान लो अभी नहीं कर रही, मैं उसको यू नो गाइड क्या कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ उसकी, उसको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप 100% एग्जाम क्लियर करोगे, तो करोगे। फ्यूचर ओरिएंटेड इफ है, शी है, वी वन है, प्लस ऑब्जेक्ट आगे क्या है हमारा सारा का सारा रिजल्ट। इफ द बॉस ऑफर्स मी अ गुड अमाउंट, अगर बॉस मुझे बहुत अच्छा ऑफर देता है अमाउंट का, आई विल डू द टास्क, मैं उसके लिए वो टास्क करूंगा जो भी मुझे टास्क बोलता है। इफ़ वी स्टे होम, देखिए मैंने ये पहले ही बोला और ये ज़रूरी भी, आप लोग सबको घर पे ही रहना है, हमें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो इफ़ वी स्टे एट होम, अगर हम घर पे रहते हैं, वी कैन स्टॉप कोरोना वायरस, ऑब्वियसली वी कैन स्टॉप कोरोना वायरस। इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश हुई तो आई विल टेक द कार, मैं कार लेके जाऊँगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में पहले ही स्टार्टिंग में ही कंडीशनल वर्ड मिलेंगे, आपको बाद में मिल सकते हैं। यू विल पास द, यू विल पास योर एग्जाम, ये क्या है हमारा रिजल्ट। इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये क्या हमारी कंडीशन, तो कंडीशन बाद में भी आ सकती है, कंडीशन पहले भी आ सकती है, इट डजेंट मैटर। वैन आई फिनिश माई वर्क, जब मैं अपना काम खत्म कर लूँगा तब मैं आपसे मिलूंगा। अब यहाँ पे वैन आ गया तो इफ़ भी आ सकता है, सपोज भी आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है। विराट कोहली विल बी ऑन द टॉप इफ ही स्कोर्स 100 इन दिस मैच, विराट कोहली टॉप रैंक में आ जाएगा अगर वो 100 स्कोर करता है इस मैच में, तो कब आ जाएगा, जब वो 100 स्कोर करेगा, तो ये क्या है कंडीशन, सॉरी ये क्या हमारा रिजल्ट, ये है ना कंडीशन। तो इफ से पता लग गया क्या करेगा, अगर उसने इस मैच में 100 बना दिए तो वो क्या कर जाएगा, टॉप रैंक पे आ जाएगा। तो गाइस ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा अगर उसके कंडीशन वाले सेंटेंस के अंदर इफ है और इफ के साथ अगर सिंपल फ्यूचर है और जो हमारा रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में, तो ये बात फ्यूचर ओरिएंटेड की होगी। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब देख लिया एग्जामिनर कैसे गलती करवा सकता है आपसे, एग्जामिनर बहुत सारे तरीके से आपको गलत करवाने की कोशिश करेगा। वो ऐसे बोलेगा कि इफ यू विल हेल्प मी आई विल गिव यू मनी, अगर आप मेरी मदद करोगे, अगर आप मेरी मदद करोगे मैं आपको पैसे दूंगा। देखो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, इफ़ यू विल हेल्प मी, हमें लग रहा है यू विल फ्यूचर की बात हो रही है और मदद करोगे तो ये तो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है और वो फ्यूचर ओरिएंटेड, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये रूल याद कर लीजिए सबको, कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन में कभी भी विल नहीं आ सकता। तो ये पहला रूल है कि विल नहीं लगाएंगे आप, नेवर यूज विल इन कंडीशन सेंटेंस, फर्स्ट रूल जो एग्जाम में बनेगा, ठीक है गाइज। दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, वो ऐसे विल सकता अनलेस यू डू नॉट पे मी सैलरी आई विल नॉट वर्क, अगर आप मुझे सैलरी नहीं दोगे या जब तक आप मुझे सैलरी नहीं दोगे तब तक मैं काम नहीं करूँगा। देखिए इसके अंदर अंडरस्टूड है, कंडीशन है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलेस है, सिंपल प्रेजेंट भी है, सिंपल फ्यूचर भी है, तो सेंटेंस फॉलो हो गया, बिल्कुल फॉलो हो गया। बट इसके अंदर एक छोटा सा ये है कि जो हमारे अनलेस और जो अनटिल होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और अगर ये नेगेटिव है तो इनके साथ कभी क्या यूज़ नहीं कर सकते, आप नॉट यूज़ नहीं कर सकते। तो एरर इसका एम है, आप बोलोगे अनलेस
यू डू नॉट नहीं आएगा गाइस, डू नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो आप बोलेंगे अनलेस यू पे मी सैलरी आई विल नॉट वर्क। तो इस कंडीशन में आपके दो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा दो आपको विल दे देगा, आपको पता है कंडीशन में विल नहीं आता। दूसरा कंडीशन में विल नहीं आता लेकिन रिजल्ट में आता है, ये भी ध्यान रखना है। और अनलेस के साथ अंटिल के साथ कभी कहने लगाते हैं आप नोट। तो ये दो एरर बनते हैं, आपके एग्जामिनर यही देगा आपको, ध्यान रखना है इसके बाद। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन का, एक छोटा सा चेंज है जो आपको ध्यान रखना है। हम क्या कर सकते हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं विल। अभी मैंने आपको बताया जो हमारी कंडीशन होती है उसके अंदर क्या लगता है, इफ लग सकता है, अब इफ तो लगेगा ही, और साथ में क्या लगता है, साथ में लगता है सिंपल प्रेजेंट, और जो हमारा रिजल्ट होता है रिजल्ट में क्या लगता है सिंपल फ्यूचर। तो आपको ये पता है कि सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, विल आता है, वी वन आता है और ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि वी कैन रिप्लेस विल, हम विल को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मोडाल से। यू कैन रिप्लेस विल विद मोडल्स, जितने भी मोडल्स हैं हम सब उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखो, इफ़ यू डोंट फील वेल, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा यू विल कंसल्ट अ डॉक्टर कि तुम करोगे, मैं आपको यहाँ पर एक मोडल्स यूज़ करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि आप अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें विल नहीं आएगा, तो विल की जगह क्या लगाएंगे हम यहाँ पे शुड। तो वी कैन रिप्लेस विल, विल की जगह हम शेल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, शैल लगा सकते हैं, मे लगाते हैं, मस्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ विल ही देखना है, वो सेंटेंस की फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है। इफ़ यू कैन फिनिश योर वर्क यू कैन वॉच टीवी, अगर आप अपना टाइम अपना काम पूरा कर लेते हो तो तुम टीवी देख सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, कंडीशन सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने विल, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। वी कैन रिप्लेस विल विद यू नो कैन शैल मे मस्ट, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन की देखिए, हमने पहले बताया आपको पहली कंडीशन थी हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड, और ये सेकंड कंडीशन है पास्ट ओरिएंटेड। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ा, अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड बात कर रहे थे, फ्यूचर ओरिएंटेड, तो जब फ्यूचर ओरिएंटेड बात करी तो हमने लिखा कंडीशन के लिए इफ लगाया, फिर हमने क्या लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और रिजल्ट में क्या लगाया सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के साथ विल लगाया, विल के साथ वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमने पढ़ा। अब हमें सिर्फ इसको पास्ट ओरिएंटेड कर देना है, वी जस्ट हैव टू टर्न इनटू पास्ट ओरिएंटेड। पास्ट ओरिएंटेड में क्या करना है, इफ लगेगा, इफ के साथ सब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, बस यहाँ पर वी वन की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा वी टू, पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यहाँ पर विल का पास्ट सबको पता है, विल का पास्ट क्या होता है वुड, वुड वी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो बहुत ही सिंपल है, विल का क्या कर देंगे आप लोग। तो गाइस बस छोटा सा फर्क ये है कि यहाँ पे वी वन लग रहा था, हमने फ्यूचर जब ओरिएंटेड बात की, अब यहाँ पे वी टू लग गया, और विल की जगह पास्ट क्या लगा दिया हमने वुड। कोई फर्क नहीं पड़ा, बस सेंटेंस की फ्रेमिंग में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़ गया। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसे 120 किलोमीटर की स्पीड से चलाता, इसका मतलब मेरे पास कार नहीं है। मैं तो ये फ्यूचर की पास्ट की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर मेरे पास होती तो मैं ड्राइव करता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीदता, अगर यू नो अगर मेरे पास अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं एग्जाम क्लियर कर देता। तो ये सब पास्ट की ओरिएंटेड बात है। तो पास्ट ओरिएंटेड के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और विल की जगह क्या लगा देंगे हम वुड। वेरी सिंपल, इफ़ आई हैड कार आई वुड ड्राइव एट 120 किलोमीटर पर आर, इफ़ शी सॉ मी, अगर वो मुझे देखती शी वुड स्कोल्ड मी, वो क्या करती मुझे डांटती, अगर वो देखती, इसका मतलब उसने देखा नहीं ना पास्ट में। नेक्स्ट, इफ़ आई पेड द मनी, अगर वो पैसे देता आई वुड गेट द डिस्काउंट, मुझे डिस्काउंट मिलते। इफ़ शी प्लेड द गेम, अगर वो मैच खेलती वी वुड विन द मैच, हम मैच जीत जाते। इफ़ इट रेन, अगर बारिश होती आई वुड टेक अम्ब्रेला, तो मैं अम्ब्रेला लेके जाता, इसका मतलब बारिश हुई नहीं है। तो गाइज ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है कहाँ कंडीशन। अब देखिए अगर यहाँ पे हेड है तो अगर यहाँ पे वो विल दे देगा तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पास्ट ओरिएंटेड बात है। और अगर यहाँ पे वुड है, अगर वहाँ पे उसने यहाँ पे दे दिया सी, तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है वो दोनों में किसी में भी चेंज कर देगा तो ये बिल्कुल ठीक सेंटेंसेज हैं, अगर वो इन दोनों सेंटेंस इन दोनों फॉर्मेशन के अंदर फुलफिल है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन के अंदर भी एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, चेंज है। वो चेंज ये है कि जब भी आप हाइपोथेटिकल बात करते हैं, हाइपोथेटिकल बात क्या होती है, हाइपोथेटिकल बात वो होती है जो पॉसिबल ना हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एफ आई वर मोदी, अगर मैं मोदी होता आई वुड मेक स्ट्रिक्ट लॉ, अगर मैं मोदी होता सख्त कानून बनाता। देखिए यहां पे मैंने क्या लगाया है वर, अगर मैं यहां बोल दूं इफ इफ शी वर, अगर मान लो मैं लड़की के लिए बोल रहा हूं, अगर वो मोदी होती तो वो क्या करती सख्त कानून बनाती। तो गाइस ध्यान रखना है, मैंने यहां शी लिखा, यहां आई लिखा, आपको याद होगा वोज और वर कहां लगाते हैं हम,
वोज क्या है, हमारा सिंगुलर है क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एस, और वर्ब क्या है हमारा, प्लूरल। तो जितने भी वोज, वोज के साथ किसके साथ यूज होता है आपका, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर किसी भी नाम के साथ। और आपका जो वर होता है, वर किसके साथ आता है, यू, वी, दे, आई। लेकिन जब आप बात करते हैं हाइपोथेटिकल, कोई भी ऐसी बात जो हाइपोथेटिकल है, जो पॉसिबल नहीं है, वहां पे अब हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेट है, ध्यान रखना है, अगर हाइपोथेटिकल बात है तो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर आएगा, वर्ब के साथ वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारी कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो सेम रहेगा, वुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस ध्यान रखना, हमेशा हाइपोथेटिकल केस में हमेशा आप लगाएंगे वर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इफ आई वर, इफ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना, अगर मैं चाइना का प्रेजिडेंट होता तो आई वुड गिव रियल इंफॉर्मेशन अबाउट COVID-19। देखिए, चाइना के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, और ये सच भी है कि उसने हमेशा फेक डाटा दिए, फेक आंकड़े दिए हैं। तो उसके ऊपर मैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता चाइना का, तो मैं सही आंकड़े देता, जिससे लोगों को हेल्प मिल जाती। स्टार्टिंग में अगर ये बता दिया जाता कि इतना कंटेजियस है, इतना ज़्यादा रिस्की है, और इस तरीके से रैपिडली फैल सकता है, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट तो गाइस ध्यान रखना, आपको क्या लगाएंगे हम वर, तो हाइपोथेटिकल केस में हम लगाते हैं वर। और लगा लो, अगर मैं फैन होता, इफ आई वर अ कार, सपोज मैं कार होता, मैं हो सकता हूँ कार, कभी भी पॉसिबल नहीं, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे वर, इफ आई वर कार, पीपल पीपल वुड ड्राइव मी डेली, लोग मुझे डेली चलाते। तो कोई बात ऐसी है जो पास्ट ओरिएंटेड है, और उसके अंदर अगर आपको हाइपोथेटिकल केस लग रहा है, तो आप हमेशा लगाते हैं वर। गाइस ध्यान रखिएगा, बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, लास्ट कंडीशन। देखिए इतना इजी छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा। थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन में आप फॉर्मेट आपको ध्यान रखना और याद रखना है, एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन बनते हैं, सीजीएल के मेन में भी बनते हैं इससे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, इफ आएगा आपका, इफ तो आना ही, कोई कंडीशन सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं पता तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस की पूरी पूरी टेंस चैप्टर को पढ़ सकते हैं मेरी पिछली वीडियो से। फॉर्मेट क्या है, रिजल्ट में क्या जाएगा, रिजल्ट में जाएगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर आप मुझे पहले बताते, आई वुड हैव सोल्ड दिस क्वेश्चन या इश्यू, अगर आपने मुझे पहले बताया तो मैं इन सारे इश्यू को सॉल्व कर चुका होता। मतलब फ्यूचर के अंदर या पास्ट के अंदर कोई काम आपको क्या करके दिखाना है, जिसकी आपको कंप्लीशन शो करनी है। जब भी कंप्लीशन शो करनी हो तो थर्ड कंडीशन लगाना है। इफ़ शी हैड पेड द अमाउंट, अगर वो पैसे देती एयरपोर्ट पे तो वो टास्क कंप्लीट कर देती। इफ़ आई हैड लैपटॉप, आई वुड हैव मेड मैनी वीडियोज ऑन हॉट टॉपिक्स। अगर आप इसमें एरर निकाल गए तो आपको एक चैप्टर समझ में आ रहा है और आप अच्छे से समझते हो। देखो थर्ड कंडीशन में एरर है, इफ़ आई हैड लैपटॉप आई वुड हैव मेड मैनी वीडियोज ऑन हॉट टॉपिक्स, अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका होता। तो गाइज अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इफ आई हैड लैपटॉप, ये लिखा है, ठीक है, आप क्या कर चुके होते, आई वुड हैव मेड मैनी वीडियोज, ये लिखा है। अब आप ये बताओ, ये पहली जो हमारी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, या कौन सी? तो आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन है हमारी सिंपल पास्ट की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हैड लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है ये, तो ये सेंटेंस गलत है। या तो आप इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, या फिर यहाँ से पूरा सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से हैड हटा देंगे, या हैड के साथ कुछ चीज़ लगानी पड़ेगी। तो आप इसको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा ऐसे, इफ़ आई हैड हैड लैपटॉप। तो गाइज दो बार हैड हैड आता है ये शो करने के लिए, पास्ट परफेक्ट को बनाने के लिए। सिंगल हैड शो करता है सिंपल पास्ट को, दो हैड से, ये तो हैड होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब। तो याद रखना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इफ़ आई हैड हैड लैपटॉप आई वुड हैव मेड मैनी वीडियोज ऑन हॉट टॉपिक्स, ये बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड टाइम आई वुड क्लीन द हाउस, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं घर को साफ करता, ये सेंटेंस में क्या गड़बड़ है?
अब यहाँ पे हैड लिखा है, ठीक है, अगर हैड है तो यहाँ पे वुड भी आना चाहिए, लेकिन वुड के साथ आपको पता है विल हो वुड हो हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्लीन नहीं आएगा, क्या आएगा, क्लीन। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, क्योंकि ये तीन फॉर्मेट अगर आपने पकड़ लिए ढंग से तो आपके सारे कंडीशनल सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे, और अगर मॉडिफिकेशन भी आपने और अच्छे से पढ़ लिए तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं। तो गाइज ध्यान रखना है, थर्ड कंडीशन का फॉर्मेट ये है, आपको ध्यान रखना, कई बार वो वुड नहीं देगा, कई बार वो हैव नहीं देगा, कई बार वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में देगा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको सारी चीज़। एक चीज़ जो सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो है इसकी, इसका मॉडिफिकेशन, इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ शी बॉट द टिकट फ्रॉम द काउंटर शी वुड नॉट हैव फेस सो मच ट्रबल, अगर उसने टिकट काउंटर से ले ली होती तो इतने सारी प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर रही होती या नहीं कर चुकी होती। इसको लिखने का एक तरीका और है, ये जो कंडीशन मैंने बनाई है इसको लिखने का एक तरीका और, वो कंडीशन का तरीका ये है, आप कंडीशनल सेंटेंस को बिना इफ के भी स्टार्ट कर सकते हो। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिना इफ के भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे केवल तब। आप लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी जो हमारी रिजल्ट है पूरा का पूरा सेम, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका क्या बनेगा, इस वाले सेंटेंस का ये बनेगा, हैड शी बोट द टिकट शी वुड नॉट हैव फेस सो मच ट्रबल। देखिए इसमें भी क्या लग रहा है, इफ शी बोट द टिकट फ्रॉम द काउंटर शी, ये शी वुड नॉट हैव फेस, यहाँ पे आएगा इफ शी हैड बोट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है ना, तो हैड बोट, तो हैड ऐसे लिख सकते हो आप, और लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सोल्ड दीज इश्यूज़, को ठीक कर लो आप क्या लिखोगे, हैड यू, ये भी कंडीशन बन गया। अब आपको सर हैड लगने से तो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये कंडीशन सेंटेंस से ध्यान रखना, इसका बनेगा हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सोल्ड दिस इशू। तो गाइज ध्यान रखना है, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन से रिलेटेड तीन मॉडिफिकेशन है, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इतना पढ़ लीजिएगा आपके लिए काफ़ी, एग्जाम आपका निकल जाएगा, कंडीशनल और टेंसेस से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू गाइज, इफ लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ लर्न श्योर फॉर आई विल यू नो, मैं पूरा ग्रामर कोर्स करवाने वाला हूँ अब आने वाले टाइम में, अब फ्री भी हूँ मैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू गाइज़।